नमस्कार। कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ हटकर करना चाहते हो अपनी डेली रूटीन से, कुछ ऐसा डिफरेंट करना चाहते हो, लेकिन डर लगता है। अधिकतर लोगों को देखा होगा आप, मन में बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन कहते हैं यार डर लगता है यार। क्या यह डर सिर्फ आपको ही लगता है? सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग इस डर पर विजय पाकर अपना लक्ष्य पा लेते हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं जो डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं? आज आपका डर मैं आपको दूर कर दूंगा। आपके मन में थोड़ा सा भी डर है ना, आज दूर हो जाएगा। एक बात बताइए आप मुझे, ऐसा कौन सा माहौल होगा जब आपको डर नहीं लगेगा? लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना कि माहौल तो हमेशा डर का रहेगा ही रहेगा। चाहे आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, आपके आसपास माहौल तो डर का ही रहेगा। और वो डर का क्या करेगा, लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर मन में रहेगा, कुछ खोने का डर मन में रहेगा, ये तो आपके मन में रहेगा ही रहेगा। आप इसको चाह कर भी दूर नहीं कर सकते हो। क्या कभी ऐसा टाइम भी आता है जब लोग नहीं कहते? नहीं आता। क्या कभी ऐसा टाइम भी आता है जब आपको असफलता नहीं मिलती? नहीं आता। क्या कभी ऐसा टाइम भी आता है कि बिना रिस्क उठाए आपको सफलता मिल जाए? ये भी नहीं आता। तो फिर आप डर से क्यों डरते हो, पता ही है मेरे को आप। और जब दुनिया में बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए तो क्या ये डर उनके ऊपर नहीं था? था। तो फिर आप क्या चीज हो? तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दे कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो बुरे लोग फिर भी कहेंगे आपके लिए, और अगर आप बुरा करोगे तो अच्छे लोग भी आपके लिए कुछ न कुछ कहेंगे। तो अपने दिमाग में एक बात बैठा ले कि मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी, तो भी लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता। कुछ न कुछ लोग तो मेरे बारे में बोलेंगे, चाहे अच्छा बोलेंगे चाहे बुरा बोलेंगे, लेकिन लोग तो बोलेंगे। तो ये डर अपने मन से निकाल देना। सेकंड डर लोगों को क्या होगा, असफल हो गए तो क्या होगा? ध्यान रखना, दुनिया में बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए तो क्या वो असफल नहीं हुए अपनी जिंदगी में? हुए। उनकी इतिहास उठाकर देख ले, कितने ही असफल हुए लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहे। अगर आप असफलता के डर से घर में बैठ जाओगे तो फिर आप काम क्या करोगे, तो फिर आप सक्सेस कैसे होंगे? तो सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकाल देना, और यह वादा करना अपने आप से कि असफलता तो मुझे मिलेगी। पहले ही मान लेना कि असफलता तो मुझे मिलेगी, लेकिन मुझे लड़ना है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है, लेकिन मुझे इस असफलता को दूर करना है। यह अपने दिमाग में बैठा लेना। बहुत से लोगों के मन में डर होता है असफलता का, तो मान लेना कि असफलता मिलेगी लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सेकंड डर क्या होता है, कंफर्ट जोन कैसे छोड़े। अच्छी बनी नौकरी चल रही है तो सोचते हैं नहीं 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 यार, रिस्क नहीं उठाए। रिस्क तो आपको उठानी पड़ेगी, बिना रिस्क किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिना रिस्क तो फिर वो सामान्य जिंदगी जीते जाना, फिर आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। रिस्क तो आपको उठानी पड़ेगी, चाहे किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क उठाने से मत डरना। बिना रिस्क किए हुए आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो ये डर आप अपने मन से निकाल देना कि लोग क्या कहेंगे। असफलता का डर भी अपने मन से निकाल देना और रिस्क उठाने का डर भी अपने मन से निकाल देना। आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी जब ये डर आपके पास नहीं होंगे। होंगे जब आप कुछ भी करोगे, छोटा काम करोगे ना, तो भी ये डर आपके ऊपर मंडराते रहेंगे, लेकिन आपको इनको इग्नोर करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर आपने इसको इग्नोर नहीं किया ना, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन डर को अपने मन से हटा देना, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे।